शाही पनीर बनाने के लिए दो टमाटर का पेस्ट, ये एक पैकेट क्रीम अमूल वाला, एक कटोरा दही, काजू का पेस्ट है, एक गिलास दूध, दो प्याज पीसे हुए, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर हमने लिए हैं गरम मसाला, ये कसूरी मेथी है, कश्मीरी लाल मिर्च आधे चम्मच, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, नमक अपने हिसाब से। इसमें एक हमने लिया गरम मसाले में तेज़पत्ता, आधा चम्मच ज़ीरा, 4-5 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी। ये तकरीबन आधी किलो पनीर है, इसे हमने क्यूब शेप में कट कर लिया है। ये हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, इसके अंदर हम रिफाइंड ऑयल डाले हैं करीब 4 चम्मच, 2, 3, 4। तेल थोड़ा गरम हो चुका है, अब इसके अंदर हम अपने सारे गरम मसाला डाल देंगे, साबुत गरम मसाला। अब इसी के अंदर हम प्याज का पेस्ट डालेंगे, गैस की फ्लेम हम हल्की रखेंगे। प्याज हमारी बन चुकी है, इसका कलर बिल्कुल लाइट पिंक हो चुका है, ब्राउन टाइप। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। 2 से 4 मिनट इसे भुनने के बाद हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, वैसे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही अदरक लहसुन की। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि स्मेल बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए, अदरक लहसुन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर अदरक लहसुन की स्मेल आती है तो आपका शाही पनीर अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं बनता, उसमें स्मेल आती रहती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने पीसे हुए मसाले, को डालने के बाद इसे 1 मिनट करीब भून लेंगे। इधर हम डालेंगे अपने टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। गाइस मसाला 2 मिनट भून चुका है, जब हमने टमाटर डाला था, टमाटर डालने के बाद हमने 2 मिनट इसे भून लिया है। अब हम इसके अंदर अपने दही डाल देंगे, ये करीब 4 चम्मच दही है, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। दही के साथ हम अपना काजू का पेस्ट डाल देंगे, दूध डाल देंगे, आप इसका रंग देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें अपनी क्रीम डाल देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें अपना आधी किलो पनीर जो हमने क्यूब से कट करके रखा था वो डाल देंगे। पनीर को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हम इसमें आधे कप पानी डाल के इसे एक बार फिर से मिला लेंगे। गैस हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अब इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे, गैस की फ्लेम लो रखी है। पांच मिनट बाद हमने कढ़ाई खोल ली है, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे स्वाद अच्छा आता है। 2 मिनट चला लेंगे। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम
हमारा पनीर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं गाइस, पनीर का कलर कितना अच्छा आया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।